प्रिय जूनियर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है BHU में। तो आप सभी लोगों का एडमिशन होने वाला है, आप आकर के अपने 2 साल यहाँ बिताने वाले हैं। तो एक सीनियर के तौर पे, एक बड़े भाई के तौर पे, मैंने सोचा कि आपको, आपके लिए एक वीडियो बनाऊं और ये बताऊं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने गलतियाँ की हैं पिछले 1 सालों में, जो आपको शायद नहीं करना चाहिए, और अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं और क्या क्या चीज़ें अच्छी और कर सकते हैं ताकि आपका जो 2 साल है वो बेहतरीन गुजरे और ये 2 साल एक बुनियाद बने आपके पूरे फ्यूचर की। इसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल आराम से धैर्य से बड़े भाई को सुनिएगा और आइएगा तो मिलिएगा जरूर। सबसे पहली चीज़ जो BHU के बच्चे या BHU के नए छात्र जो है वो गड़बड़ी करते हैं, और वो क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला रहता है, बहुत ज़्यादा छूट नहीं मिली रहती है, और यहाँ जब आते हैं तो घर से दूर बहुत सारा एक्सपोजर लेकर के आते हैं और इन्हीं भाग भंगिमाओं में बह जाते हैं, है ना। कई सारी चीज़ें जो उनका फ्यूचर था, जो उनका गोल था, वो सारी चीज़ें छूटने लगती है। यहाँ आने के बाद एक बार सारी चीज़ों को देखिएगा, ठीक है, चाहे वो VT हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो 80 घाट हो, चाहे वो लंकेटिन हो, हर चीज़ करने के बाद एक बार अपने फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचिएगा और सोचिएगा कि क्या चीज़ अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी दे करके ये 2 साल गुजारते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही बेहतर होगा, ये मेरा दावा है। दूसरी चीज़ जो बहुत जल्दी बहक जाते हैं लोग और गलतियां कर देते हैं, और वो ये है कि लाइब्रेरी का सही यूज़ नहीं करना। ये लाइब्रेरी जो है ना, वो BHU के छात्रों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। आप चाहे अगर एफिलिएटेड कॉलेजेस में ले लें या फिर अन्य यूनिवर्सिटीज़ में ले लें, इतना ज़्यादा लाइब्रेरी की सुविधा आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। आपको सेंट्रल लाइब्रेरी रात के 9 से 10 बजे तक खुला मिल जाएगा, उसके बाद जो आपका साइबर लाइब्रेरी है 21 घंटे, आपको सुबह के 5 बजे तक केवल 3 घंटे बंद होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप कितना करते हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि लाइब्रेरी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़रूर करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि वही एक जगह है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाएगा। तीसरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, और वो ये है कि क्लासेस जो होती है ना यहाँ पे, आपको पता ही होगा, हालांकि कहीं ना कहीं आपने ग्रेजुएशन किया है, तो क्लासेस रेगुलरली नहीं चलती जैसा स्कूल्स में होता है, जैसा कि नॉर्मली होता है कि भाई गए क्लास में और उसके बाद सीधा हमारा लास्ट में छुट्टी हुई और फिर हम बाहर निकल गए। ऐसा यहाँ नहीं होता। यहाँ क्या होगा कि पहली क्लास चलेगी, फिर 1 घंटे का गैप, फिर 1 क्लास, फिर 1 घंटे का गैप। वो 1-1 घंटे करके ना हमारे साल के कई घंटे बर्बाद हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग जरूर रखिएगा ताकि आपका वो 1 घंटा, वो जो गैप टाइम है, वो बर्बाद ना हो, ठीक है। ये सलाह शायद आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तीसरी चीज जो मैं कहूंगा वो है फ्रेंडशिप। युवावस्था के आप एक ऐसे कगार पे हैं कि आपका ये 2 साल हो सकता है कि स्कूल के आखिरी डेज हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटीज के आखिरी डेज हो, इसके बाद आप जॉब करने चले जाएं या शादी हो जाए आपकी। तो कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सारी चीज़ें जी लो, है ना, दोस्ती कर लो, हर चीज़ पूरी ज़िंदगी को फुल्ली इंजॉय करके जीना चाहिए। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे, दोस्ती करते समय, किसी भी महिला मित्र बनाते समय, पुरुष मित्र बनाते समय, ये ध्यान रहे हमेशा कि क्या वो मेरे गोल के लिए सपोर्टिव है या नहीं, ठीक है। क्या मैं केवल उसके लिए अपना समय दे रहा हूँ या हम दोनों मिलकर के अपने गोल के लिए ज्यादा डेडिकेटेड हो पा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे अगर आप, तो दोस्ती करने में आपको सहायता मिलेगी। जो नेक्स्ट चीज जो मैं बात करना चाहूंगा वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। कई सारे बच्चे होते हैं जो बुकिश होते हैं, है ना, कि वो दुनिया क्या है किताबों को हटा करके देखो, ऐसी कोई एक लाइन थी बहुत प्यारी सी, वही मैं यहाँ दोहरा करके अपनी बात कहना चाहूँगा कि केवल किताबों से मत जुड़े रहिएगा। कई बार होता है बच्चे नेट जा रहे, UPSC या बाकी ऐसी चीज़ों से बंध जाते हैं कि उनको किताबों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, है ना। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो रही हैं और उसके प्रति अगर आप सजग रहेंगे ना, तो लगभग हर 15 दिन पे आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करने को मिल जाएगा। चाहे वो भाषण प्रतियोगिता हो, चाहे वो लेखन प्रतियोगिता हो, चाहे वो ड्राइंग स्किल्स हो, क्विज स्किल्स हो, या फिर गाने का हो, आपके अंदर जो भी कला है, चाहे वो आप तबला बजाना जानते हो या दौड़ना जानते हो, हर चीज के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं, कुछ ना कुछ चीजें करने के लिए हैं। तो प्लीज आपसे यही सजेशन रहेगा, इन चीजों के प्रति भी अवेयर रहिए, क्योंकि हर चीज आपको मिल जाएगी लाइफ में, यू नो,
कि आपको दोस्ती भी मिल जाएगी, आपको पढ़ने के लिए भी शायद कभी मिल जाएगा, हो सकता है कि ऐसा माहौल भी मिल जाए, हो सकता है कि ऐसे प्रोफेसर भी मिल जाए, लेकिन ये एज में, इस एज में एक कॉम्पिटिशन के माहौल में जाना, अपनी गुणवत्ता को देखना और अपने स्किल्स को निखारना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसमें आपका हेल्प करेंगी ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। और एक चीज और है, हो सकता है कि उन्हीं से आपका कैरियर भी कहीं ना कहीं बन जाए, क्योंकि आजकल द स्टडी इज द नॉट ओनली द मेथड टू गेट सक्सेस, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जिनके थ्रू आप अपना कैरियर बना सकते हैं, अपने लाइफ को उसकी तरफ देख सकते हैं। और लास्ट एंड और एक चीज है, दो चीजें मैं अभी सेकंड लास्ट ये रहेगा मेरा, नेट जेआरएफ के लिए मैं बताना चाहूंगा, आप एमए में आ रहे हैं, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिलॉसफी हो, या फिर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, या फिर बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें भी आप आने वाले हैं एमए, एमएससी, एमकॉम में, तो आपका जो मेन टारगेट होगा ना, वो कहीं ना कहीं या तो पीएचडी होगा या फिर यूपीएससी की तरफ अगर आप जाना चाहेंगे। तो शुरुआत में ही इस चीज को बिल्कुल आप भली भांति देख लीजिएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप नेट जेआरएफ की तरफ जाना चाहते हैं या फिर आप यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं। अगर नेट जेआरएफ इज द टारगेट, तो आपको क्या करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपको उसके लिए डेडिकेटेड होना पड़ेगा, उसके लिए एक आध घंटे, दो घंटे, तीन घंटे निकालना शुरू से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सेमेस्टर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर आप चाहेंगे तो लगभग अंतिम के 7-8 महीने में तैयारी करके आप अच्छा सेमेस्टर निकाल सकते हैं, एक सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए आपका टाइम बर्बाद ना हो या फिर आप बहके नहीं, दूसरी चीजों के प्रति नहीं जाएं, इसके लिए जरूरी है कि नेट जेआरएफ या फिर कोई एक ऐसा गोल रहे आपके लिए जो खाली टाइम में, यानी खाली दिमाग शैतान का जो होता है उसके लिए ना हो, कुछ एक इम्पॉर्टेंट, कुछ एक कंस्ट्रक्टिव काम आप कर पाएं। और लास्ट चीज जो मैं कहूंगा वो है, सीनियर्स का सम्मान करिएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी सीनियर्स हैं आपके, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक गुण था उस समय कि भाई अपने को ऐसे, या हम बीएचयू में आ गए भाई, क्या ही समझ रहे हैं, है ना, खुद को। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो सीनियर्स हैं उनका अगर आप सम्मान करेंगे, जितना ज्यादा सम्मान करेंगे, ना केवल मुझे बल्कि हर किसी को, जो भी आपका सीनियर है, चाहे वो आपके डिपार्टमेंट का हो या दूसरे डिपार्टमेंट का हो या जो भी हो, रिसर्च स्कॉलर हो, एमए का सीनियर हो, उसका सम्मान करिएगा, क्योंकि जैसे ही आप सम्मान करते हैं तो उसका जो स्नेह है वो आपके लिए बढ़ जाता है। और अगर सीनियर्स का स्नेह अगर आपके ऊपर रहेगा तो आप डेफिनेटली कुछ अच्छा करेंगे, और उनके द्वारा जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी ना, वो बेहतर ही मिलेंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और जितना भी मैंने अपने सीनियर्स को देखा है, जितना जाना है, मुझे बहुत लाभ हुआ है इससे। बस यही सारी बातें थी जो आप लोगों से हर्ट टू हर्ट करनी थी, मैंने सोचा कि शुरुआत में ही ये वीडियो बना करके आप लोगों से एक गुफ्तगू अगर मैं कर लेता हूँ तो शायद आपके लिए ये 2 साल जो है वो बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। मैं बसंत आप सभी लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा इस वीडियो में, जल्द ही आइए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मिलिएगा जरूर, मिलते हैं और कुछ अच्छा करते हैं। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।